कॉन्वेंट के स्कूल खुलते हैं। यूरोप में तो जरूरत है क्योंकि वहां लावारिस बच्चे होते हैं, भारत की क्या जरूरत है? यहां पे तो लावारिस बच्चे नहीं होते ना, यहां पे क्यों चलने चाहिए? ब्रदर मदर सिस्टर फादर कहां से ही आ गए? घर में तो एक बाप खुद का है, एक स्कूल में भी है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है अंग्रेजों का। तो बास्टर्ड, जिसके दो बाप वो बास्टर्ड हो गया, तो आप गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को भेज करके बास्टर्ड बना दिया जा रहा है। कहते हैं बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, भाषा के स्तर पर इतनी गुलामी है कि आप कह नहीं सकते। दुनिया के सारे देश अपनी भाषा को प्राथमिकता देता है, जर्मन देता है, जापान देता है, फ्रांस देता है, भारत में नहीं है ऐसा। भारत में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए थे ना। एजुकेशन सिस्टम को जब बर्बाद किया गया, तो मैं पहले कहता है कि जितने गवर्नमेंट स्कूल हम खोलते हैं, इसमें सांस्कृतिक और सभ्यता जो है भारत का नहीं होगा। क्या होगा? तो सिर्फ और सिर्फ में अंग्रेजों का कल्चर होगा। गवर्नमेंट स्कूल में हम कुछ पढ़ाए या ना पढ़ाए, पर अंग्रेजी तो जरूर देंगे, अंग्रेजी जरूर बताएंगे, अंग्रेजी देंगे अंग्रेजों वाला। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि 10-12 साल, 15 साल, 25 साल बाद जब वो युद्ध जाएगा देश के अंदर समाज में जाएगा, तब वो अंग्रेजों का ही तारीफ करेगा, क्योंकि अंग्रेजी अब दिया गया है। भारतीयता का विरोधी करेगा, सांस्कृतिक और सभ्यता भारत का उसको पसंद नहीं आएगा। तो जब समाज में जाएगा तो अंग्रेजों के एजेंट के जैसा काम करेगा, इसलिए अंग्रेजी दे दो, अंग्रेजी दे दो, भारत का कल्चर को बर्बाद कर दो। ये मैकाले का स्टेटमेंट है, मैं नहीं कह रहा है, मेरे पास डॉक्यूमेंट है इसका, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। 2 फरवरी 1835 का स्टेटमेंट है उसका। अग्राइट का क्या था? अग्राइट का ये लॉजिक था कि हिंदी जो है ना, हिंदी हो या फिर तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी हो, जो इंसान का लोकल भाषा है उसी में पढ़ाया जाए, मातृभाषा में ही बच्चों को अगर पढ़ाया जाए तो समझ जाते हैं, उनका थिंकिंग पावर बढ़ जाता है। विदेशी भाषा में कोई सोच नहीं सकता, रटेगा, याद करेगा घंटों घंटों, रट के आंसर शीट पे उल्टी कर देगा, 90+ ले रहा है, 2 महीने बाद क्या लिखा उसको याद नहीं रहता, सिर्फ रटना और उल्टी कर देना। आप जो पढ़ते हो आज सिलेबस सारा के सारा अंग्रेज का बनाया हुआ है, सारा के सारा मैकोले का बनाया हुआ है। मैकोले इस हिसाब से बनाया कि सिलेबस को पढ़ करके किसी भी हिंदुस्तानी का भला ना हो और ये अंग्रेज बन जाए। और कारण सिर्फ यही है आज का कि सब के सब पढ़े लिखे बेरोजगार बनते हैं। आजाद जब भारत देश गुलाम था तो दोनों लोग नोबेल लॉरियट आए, नोबेल प्राइज मिले, रविंद्रनाथ टैगोर, जगदीश चंद्र बोस। भारत देश जब आजाद हो गया तो नोबेल लॉरियट आना बंद कर दिए, किसी को नोबेल प्राइज मिल ही नहीं रहा है। किस आधार पर कहते हैं एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो रहा है? नहीं हो रहा है एजुकेशन सिस्टम डेवलप। आपको बता दूं, गवर्नमेंट स्कूल में अंग्रेजियत से पढ़ा हुआ इंसान आज तक साइंटिस्ट नहीं बन पाया, साइंटिफिक मैनेजर बना है। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम लोकल भाषा में पढ़े, अपने मातृभाषा में पढ़े, तमिल में पढ़े, तब जाकर के उन्होंने उतना बड़ा रिसर्च कर पाया और भारत रत्न मिला उनको। आप मुझे बताओ जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हो भारत रत्न मिला, बड़ा साइंटिस्ट बना है उच्च कोटि का, नहीं बन पाया। डॉक्टर विजय भटकर मराठी में सोचता हूं इसलिए इतना बड़ा शोध कर पाया, इसलिए कहते हैं। लेकिन दिल्ली एनसीआर में आप यही कहता है हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, गांव गांव में स्कूल खुल गए, कॉलेज खुल गए, पर वहां से आके ऐसे डिग्री धारी। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ डिग्री के आधार पे चलते हैं, डिग्री बेस पे, नॉलेज बेस नहीं है। लोग तो ज्ञान के लिए पढ़ते हैं ना, या डिग्री के लिए पढ़ता है? डिग्री के लिए जब पढ़ता तो घर में रहता, डिग्री पहुंचाते घर में। ज्ञान के लिए पढ़ाई करना चाहिए, डिग्री के लिए नहीं करने का। पर चल रहा है जो सिस्टम
देता है। जो आप कहते हो ना आईपीसी, आईपीसी नहीं है वो, आयरिश पिनल कोड है। क्यों लाया गया इसको? जिस देश में प्लान बनाया करते थे अंग्रेज, उस देश में ये आईपीसी ना दे। क्यों ना देते? क्योंकि इनको गुलामों को न्याय नहीं दिया जाता। और आज वही चल रहा है, इंसान ज्यादा से मोटा बन जाता है, तारीफ बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि गुलामों को नहीं दिया जाता था, वही आज चल रहे हैं। न्याय भी नहीं मिलता। भारत देश में न्याय तो फ्री में मिलते थे, आज क्या होते हैं? केस चलेगा आपका, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, खत्म ही नहीं होगा। वकील के फीस बढ़ेंगे, जज के सैलरी मिलेंगे, केस वही का वही रहेगा। एक गरीब आदमी तुरंत कहते प्रॉपर्टी रख लेता है, केस लड़ने के लिए, न्याय लेने के लिए मिल नहीं पाता। तो जिस देश में न्याय के लिए इतनी बड़ी विडंबना है, इतना बड़ा तरस है, कैसे कैसे भारत आ जाता है? सारे कानून अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, वही चल रहे हैं, वही चल रहे हैं, लेकिन कुछ वही नहीं चल रहे। अरे यार मत ना।